हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन 2022 का सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। एंड दोस्तों, बात करें सैंपल पेपर का, तो ये है फॉर क्लास सिक्स, मतलब कि वैसे बच्चे जो कि अभी क्लास सिक्स में करेंटली प्रेजेंट होंगे। एंड बहुत जल्द दोस्तों आप लोग जाएंगे क्लास सेवेंथ में, यानी कि 2023 के मार्च अप्रैल से आप लोग जाएंगे क्लास सेवन में। एंड अगर आप लोग का दोस्तों इस सैंपल पेपर का बात करें तो पेपर वन है। वैसे दोस्तों आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है, पेपर वन। आपसे सीनियर क्लासेज में टोटल दो पेपर होता है, पेपर वन एंड पेपर टू। तो अगर टाइमिंग का बात करें दोस्तों सैंपल पेपर का, तो 3 आवर्स है। एंड मैक्सिमम मार्क्स का बात करें तो 240 है। एंड दोस्तों सेम पैटर्न रहेगा आप लोग का ओरिजिनल जो FTRE का क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन 2022 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा, टेस्ट देने जाएंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, सेम पैटर्न पर रहेगा, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा एंड सेम हार्डनेस लेवल रहेगा, ठीक। एंड अगर बात करें इस सिंपल पेपर का डिजाइनिंग का, तो टोटल यहाँ पर 5 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर। सेक्शन वन में दोस्तों रीजनिंग के टोटल 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड अगर बात करें हम लोग यहाँ पर सेकंड सेक्शन का, तो सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन में दोस्तों अगर बात करें सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर फोर्थ सेक्शन में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड अगर फिफ्थ सेक्शन में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बात देख सकते हैं कि आप लोग का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आप लोग को ट्राई करना होगा कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको भी तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सही होने का चांसेस रहेगा। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें तो 108 है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 103 to 108। यहाँ पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में कोई भी आप लोग को ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पर इसका जो आंसर होगा दोस्तों सिंगल डिजिट होगा, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक का कोई भी इंटीजर हो सकता है। ध्यान देने वाला बात है दोस्तों कि 0 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है, एंड इसके बीच में जो इंटीजर आते हैं वो भी हो सकता है, ठीक। एंड अगर OMR का बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा, फॉर क्वेश्चन नंबर 103 to 108। एंड सपोज करिए कि आपका आंसर 6 आ रहा है, तो सिंपली दोस्तों आप लोग को 6 को बबल आउट करना होगा। एंड अगर बात करें फर्स्ट सेक्शन का, तो यहाँ पर 35 मिनट्स रिकमेंडेड टाइमिंग रखा गया है। एंड रीजनिंग से टोटल 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा फर्स्ट सेक्शन में। तो आप लोग स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और एक बात दोस्तों, मैं इसी वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करूंगा, तो अगर आप लोग इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर आप लोग को सफिशियंट टाइमिंग दूंगा, सो डेट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें एंड घर पर बैठकर इसको बना सकें। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 18। तो यार यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। एंड अब बात आता है सेकंड सेक्शन का, जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 35 मिनट से रखा गया है, सेम एज फर्स्ट सेक्शन। अगर बात करें पार्ट ए का, तो फिजिक्स है यहाँ पर, टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स है, जो कि आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्पेस फॉर रफ वर्क, यानी कि आप लोग को यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा सेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ना ही आप लोग घर से कोई भी एक्स्ट्रा सेट ले जा सकते हैं फॉर रफ वर्किंग। जो भी रफ वर्क करना है दोस्तों, आप लोग को सफिशियंट यहाँ पर रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जा रहा है, यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। एंड पार्ट बी का बात करें दोस्तों, तो केमिस्ट्री है एंड यहाँ भी टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26। पार्ट सी में दोस्तों मैथमेटिक्स है एंड यहाँ भी टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31।
पार्ट डी का बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी है एंड यहाँ भी टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 एंड 36। थर्ड सेक्शन में दोस्तों देख सकते हैं इसका रिकमेंडेड टाइमिंग 50 मिनट्स रखा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर रिकमेंडेड टाइमिंग थर्ड सेक्शन को रखा गया है। एंड पार्ट ए का बात करें तो फिजिक्स, यहाँ पर टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिक्स है। तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। एंड आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स का टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ से हमारा पार्ट बी केमिस्ट्री का 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग की स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। देन इसके बाद क्वेश्चन 56, 57, 58, 59 एंड 60। यहाँ भी दोस्तों केमिस्ट्री का टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात आता है हमारा मैथमेटिक्स जो कि है पार्ट सी, एंड यहाँ पर टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से। तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66 एंड 67। देन इसके बाद 68, 69, 70, 71 एंड लास्ट वन 72। तो यार यहाँ पर मैथमेटिक्स हमारा कंप्लीट होता है। और अब बात आता है बायोलॉजी का जो कि है पार्ट डी में, एंड यहाँ भी सेम 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82, 83 एंड 84। एंड यहाँ से दोस्तों हमारा फोर्थ सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि है 30 मिनट्स। पार्ट ए का बात करें दोस्तों तो फिजिक्स है, एंड यहाँ पर टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87 एंड 88। पार्ट बी में दोस्तों केमिस्ट्री है, यहाँ भी टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 89, 90, 91 एंड 92 आप लोग के स्क्रीन पर। एंड इसके बाद पार्ट सी में बायोलॉजी, एंड यहाँ भी टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आप लोग के स्क्रीन पर, क्वेश्चन 93, 94, 95 एंड 96। फिफ्थ सेक्शन दोस्तों एंड लास्ट सेक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 30 मिनट्स, मतलब कि हाफ एन आवर रखा गया है। एंड पार्ट ए में दोस्तों मैथमेटिक्स, टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99, 100, 101 एंड 102। यहाँ से दोस्तों आप लोग का पार्ट बी स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स, एंड यहाँ पर टोटल 6 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 103, 104, 105, 106, 107 एंड लास्ट वन 108। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कोई भी यहां पर ऑप्शन नहीं रखा गया है, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक का कोई भी सिंगल डिजिट आंसर हो सकता है, एंड उसी को आप लोग को ओएमआर पर बबल आउट करना होगा, जैसे कि मैं इसी वीडियो के शुरुआत में आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। एंड अब यार बात आता है इसका आंसर की का। तो फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन 2022 का क्लास 6 का दोस्तों ये रहा सैंपल पेपर का आंसर की। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 48 तक का आंसर की। देन इसके बाद 48 से लेकर दोस्तों 108 तक का आंसर की। एंड यार अब आप लोग के स्क्रीन पर आता है 1 से लेकर 108 तक के आंसर की, यानी कि मतलब एक पेज में मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ। एंड फाइनली यार यहाँ पर आप लोग का जो सिंपल पेपर है फॉर फिटजी टैलेंट रिवार्ड एग्जामिनेशन 2022 वो कंप्लीट होता है क्लास 6। वैसे बच्चे जो कि बहुत जल्द जाएंगे क्लास 7 में पेपर 1, एंड क्लास 7 वालों के लिए दोस्तों बहुत जल्द
सैंपल पेपर अपलोड होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जाम को देते हैं तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।